मां सूफी लगारी सिंधी फाउंडेशन जे तरफां तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु आहियां ऐं असां सां अॼु ख़ासि महिमान हांगकांग मां साईं दयाल हरिजाणी जिन जो पंहिंजो ॿियो तख़लुस जेको आहे सो दादू ज़ैन आहे। सिंधी फाउंडेशन जे तरफां असां सॼी दुनिया मां मुख़्तलिफ़ जेके असांजा उहे सिंधी जेके सिंध खां ॿाहिरि रहनि पिया उन्हनि खे असां रिकॉर्ड करणु चाहियूं था। उन्हनि जी पंहिंजूं मुख़्तलिफ़ फील्ड्स आहिनि ऐं पंहिंजो पोटेंशियल आहे ऐं उहे सिंध सां असीं उन्हनि खे जोड़णु था चाहियूं। त सिंधी फाउंडेशन वॉशिंगटन DC बेस्ड आहे ऐं मुंहिंजो नालो मुनवर लगारी, सिंधी फाउंडेशन जो मां एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आहियां ऐं साईं दयाल हरजाणी खां अॼु असां मां ऐं असांजो दोस्त मीर मुज़फ़र उहे बि असां सां गॾु आहिनि ऐं असां अॼु साईं खां मुख़्तलिफ़ मौज़ुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। उन लाइ ज़रूरी आहे मीर मुज़फ़र बि मुख़्तलिफ़ मौज़ु मीर मुज़फ़र बि क्वेश्चन कंदा, मां बि कंदुसि ऐं मीर मुज़फ़र असांजा उहे डायरेक्टर आहिनि सिंधी फाउंडेशन जा जेके बेस्ड आहिनि कैनेडा में। त साईं खां जेको आहे सो अॼु असां मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि ते हीउ अधु कलाक जो असांजो जेको प्रोग्राम आहे उन में हीउ तारीफ़ी प्रोग्राम आहे। साईं जो पहिरीं मां मुख़्तसिर तारीफ़ करायां पर घणो कुझु असांखे साईं खां ई ॿुधणो आहे ऐं मुख़्तसिर तारीफ़ उन्हनि जो इहो आहे त हूअ हांगकांग में रहनि था ऐं प्लस पाण शाइर आहिनि, फिलासफ़र आहिनि, फिलांथ्रोपिस्ट आहिनि ऐं अहम ॻाल्हि त हूअ उन्हनि लेखक बि आहिनि ऐं ख़ासि अहम ॻाल्हि इहा त हू सूफ़ीज़म खां पंहिंजे नंढपण खां ई तमामु घणो इंस्पायर आहिनि। उन्हनि ते सूफ़ीज़म जो तमामु घणो असरु रहियो आहे ऐं पाण सिंध जे हवाले सां ॿ वालियुनि ते उन्हनि ख़ासि हिकिड़ो किताब बि लिखियो आहे, सिंधी रूट्स एंड रिचुअल्स, ऐं कबीर ते किताबु लिखियो अथनि ऐं ॿिया उन्हनि जा केतिरा ई आर्टिकल आहिनि ऐं तंहिंखां अलावा उन्हनि जी पंहिंजी शायरी अथनि। इन्हनि सभिनी शयुनि ते असीं ॻाल्हाईंदासीं पर पहिरीं मां साईं खां इहो पुछंदुमि त साईं तव्हां असांखे इहो ॿुधायो त तव्हांजा असुल वॾा किथां जा हुया ऐं विरहाङे वक़्तु साईं तव्हां पंहिंजो किथे तव्हां सिंध में ई ॼाओ या इंडिया में ॼाओ या हांगकांग में ॼाओ, पंहिंजो सॼो तारीफ़ पाण पंहिंजे तव्हांजे असीं मुंहुं वकील तव्हांखां ॿुधण था चाहियूं ऐं तव्हांजे वॾनि कहिड़ियूं तकलीफ़ूं ॾिठियूं या कहिड़ा उते उन्हनि जा कारोबार हुया या पंहिंजो उन्हनि जो बैकग्राउंड छा हुयो, इहो असां सिंध जे माण्हुनि खे ॿुधाइण था चाहियूं तव्हांजी ज़बानी। पहिरीं त सभिनी जे लाइ दुआ घुरां थो। तव्हांजे तिजोरी रहे भरपूर, तव्हांजे शरीर में कॾहिं न सूर, तव्हांजे आत्मा में कॾहिं न कूर, तव्हांजे मथां साईं जिन जी नूर। So with these good prayers and blessings, we will start today's aram karta tahare tanjo pehro pehro sal me background jo hai well I was let's say I was conceived in Karachi, born in Bombay in 1948. Ta mukhe khali stories yaad hain जेको मुंहिंजी माउ जेको माउ पीउ ॿुधाईंदा हुआ। त असुल में असीं हैदराबादी आहियूं। मुंहिंजो ग्रैंड फादर वेंसीमल कलाचंद माइग्रेटेड फ्रॉम हैदराबाद टू कराची समवेयर इन 1932 और समथिंग लाइक दैट। त उन्हनि अची पंहिंजे कुटुंब सां इहे अटे जो मिल कॉल किट्सन फ्लावर मिल्स चालू कयो। त उते असां 600 माण्हू कमु कंदा हुआ एंड पार्टीशन जॾहिं थी त उनखां पहिरीं
हिननि विकिणी छॾियो पंहिंजो घर, असांजो घर हूंदो क्लिफ्टन में. अच्छा. असां घर पंहिंजो हिनखे नूरजहान खे ॾिनो. नूरजहान जेका सिंगर, हा, हुनखे. असांजी वॾी हवेली हुई क्लिफ्टन में. जी जी. ॾिठो ॾिनो ऐं कुझु बिल्डिंग्स हुआ असांखे, त उनजो एक्सचेंज असांखे बॉम्बे में मिलियो, टे बिल्डिंग. एंड मुंहिंजो ग्रैंडफादर हो, हुन सभिनी खे मोकिलियो छॾियो 1947 ऑगस्ट में, ऐं पोइ पाण 1948 में आयो. This is a short introduction about me. ऐं मुंहिंजो जेको नानो हो उहो हैदराबाद में हो, त उहो 1920 खां वेंदो हो हैदराबाद सिंध टू बॉम्बे टू इहे योकोहामा जापान में वेंदो हो. उतां खां उहो बिज़नेसमैन हो, उतां खां टेक्सटाइल्स इम्पोर्ट कंदा हुआ जापान मां ऐं सॼी दुनिया में मोकिलींदा हुआ. त इन शाही बाज़ार में ॾाढा एक्सपोर्ट कंपनी हुआ, जेके भाईबंद वेठ वेहंदा हुआ कागड़ी सां, हा, हैदराबाद में शाही बाज़ार में. त उतां सॼो कंट्रोलिंग थींदो हो, त घणेई जेके भाईबंद जा दुकान हुआ, हिनखे असीं चऊं था सिंधवर्की, जेके ॿाहिरि विया हुन सिंधवर्की हुआ, त उहो ॿाहिरि वेंदा हुआ राइट फ्रॉम इजिप्ट, माल्टा एंड अप टू जापान, इंडोनेशिया, साइगोन, बॉम्बे. त इते दे वर ऑल स्प्रेड आउट एंड दे यूज़ टू ट्रैवल फ्रॉम 1853 ऑनवर्ड्स खां हिननि चालू कयो. बिकॉज असांखे सिंध जेको अंग्रेज़नि हासिलु कयो 1843 17th of February इन द बैटल ऑफ मियानी अगेंस्ट द टारपुर रेजिम, उनखां पोइ त जेको मैरिटाइम बेल्ट खुलियो फ्रॉम लंडन टू ऑल द वे टू जापान, त सिंधी जेके आहिनि उहो त मैरिटाइम बेल्ट ते देवर ट्रैवलिंग शिप साइगोन में. त सभु असांजा जेके भाईबंद जेके एडवेंचरस हुआ, सभु विया ऑल ओवर द वर्ल्ड इन जिते बि मैरिटाइम नेविगेशन हो. ऐं उतां चालू थियो सॼो धंधा, भई कीअं भई रोप खणी भई शिप ते वेंदा हुआ मथे कुलनि ते, भई चादर ऐं टेक्सटाइल खणी पोइ मथे वञी विकिणी वापसि हेठां हेठि ईंदा हुआ. त उतां चालू थियो सॼो बिज़नेस ऑफ सिंधवर्की, भई सिंध प्रोडक्ट्स पहिरीं असां चालू कयो, सेलिंग सिंध प्रोडक्ट्स. पर सिंध प्रोडक्ट्स हैड अ लिमिटेशन, उनखां पोइ छा करियूं? त पोइ ही विया जापान में to import all the, because in that time Japan was very strong, China was very weak. So uttar se jo maal export karna hua up to all the way to Malta, Egypt and you know other places, us ye vadhana aya po you know up to Nigeria and London and America and Manila se jo bhai you know distribute thi virange khan bhi pehri business je ken se ta ja vada karna hua. Ha, they were all very adventurous people. The Sindhwarki Bhaiband were highly adventurous. The Amil wa, the Chauhan, and they were more into administration. And Kagri, Munshi, Muni, you know, they were all, you know, working for the government. Par tama ta Sindh mein na java wan. Na, I, but ma thiya wa Sindh mein. Achha. Ma penje family ke vathi vyusse te. And मां बितशाह में वियुसि, अब्दुल शाह लतीफ़ जो दरगाह ते वियुसि, हैदराबाद में पलो खाधोसीं. अच्छा. ऐं असां मंदर खोलायासीं, हनुमान जो मंदरु खोलायासीं, ऐं गिदू बंदर में वियासीं, बॉम्बे बेकरी में वियासीं. त सभिनी सां मां गॾिजी आहियां. त जॾहिं मां वियुसि, मूंखे ब्रिटिश पासपोर्ट हो, त उते मूंखे पासपोर्ट इमिग्रेशन में रखी सभु ॿारनि जा, उते अलाउड मी टू गो इनसाइड. मूंखे हिकु दोस्त हूंदो हो वॾो सुठो हॉंगकॉंग जो, त उहो मूंखे सभु वठी हलियो. भिटशाह ते तव्हां छा महसूस कयो? भिटशाह में, हा, शाह लतीफ़ भिटाई जी जेको वियो तव्हां उते, तव्हां पाण सूफ़ी जो जी तव्हां जस्ट वेंट देयर. आई मीन आई जस्ट नथिंग एक्सेप्ट, नो एक्सेप्शनल फीलिंग. उन वक़्तु मूंखे एतिरी ॼाण कोन हुई अब्दुल शाह लतीफ़ हुई,
what a great Shakespearean poet he was and what a great Sufi he was. Mm. I had no knowledge of that. Wow. But that has developed over the years after I returned from Pakistan. ऐं पोइ तव्हांखे सिंधी ॿोली कीअं आई? तव्हां सिंधी पढ़ियो या पंहिंजे घर में आई या कीअं सिंधी ॿोली सां तव्हांजो कीअं? सिंधी उते छा थियो हो, बॉम्बे में जॾहिं आयासीं त सॼो फोकस हो कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेज़ी सिखण जे लाइ, त सिंधी वॉज कंसिडर्ड एज यू नो नॉट सो इम्पोर्टेंट, इट वॉज कंसिडर्ड सेकेंडरी. त असां सिखिया ई कोन, ख़ाली घर में जेको वॾा ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं थोरा कॾहिं कॾहिं गारियूं गंद बि ॾींदा हुआ. We picked up from there all the things. So we are, I have learned by listening, not by studying. To padhi natha sago han sindhi? No, unfortunately I cannot read, and that is a great chahindus sir ta ha spirituality mein ki je ko so interested thyo? Spirituality में इंट्रेस्ट जॾहिं मां नंढो हुउसि त मुंहिंजी माउ मूंखे स्टोरीज़ ॿुधाईंदी कृष्णा जो ॻाल्हियूं ऐं सभु प्रहलाद भगत शिव जेके कथाऊं पुराण में आहिनि उहो सभु ॿुधाईंदी हुई. ऐं शायदि मुंहिंजे मन में बि थोरो संस्कार पंहिंजा पिछले जनम जा हूंदा, जो अहिड़ी माउ प्यारी मिली जो असांखे ट्रेनिंग ॾिनी. So, unaga po jagrat thyo. I was very intuitive when I was young. Mukhe bhai puchhna maaru minja dost bhai subhane minjo angrezi jo exam hai ma kero page padhaya, ma un waqt chahi unan ke chalo bhai hi page padhyo. Par o jari ma nando hus po aste aste wo sab vyo ali, now it's a different story. Ai tama जे ख़्याल में सिंधी केरु आहिनि, सिंधी छा आहिनि, सिंधी कंहिंखे चइजे, तव्हांखे इहो पंहिंजे आइडेंटिटी जो कॾहिं इहो आहे त तव्हां जेके सिंध मां असीं पैदा थिया आहियूं, सिंध जा जेके ओरिजन आहियूं असांजा वॾा जेके सिंध मां पैदा थिया आहियूं, त वी आर ऑल लीनिएज ऑफ सिंधीज़. वी आर सो वेरेवर वी आर, किथे बि हुजूं, पर सिंधी we cannot forget our Sindh and we cannot forget our Sindhi identity. Bhale asi mix kariyon bian culture sa mix kariyon, par wari bo sel dabroti hai sai bhaji hai ye sab khaina si, that we cannot leave. Jeka bo Sindhi tai disana ta jeke traditional and dishes khade pa sab sahi hain, khichni hi wo wagere, you know better about the Sindhi dishes. The Sindhi food mana tanje khyal mein tamam important aahe. Yes, Sindhin je ghar mein Sindhi khado ta aahi aahe. Pakan dal, loli, these are the traditional dishes which we all enjoy eating. Even our youngsters, bhale kero ba they have become anglicized, par dal chawal mani zarur khainda ghar mein. We still maintain our Indian Sindhi cuisine at home. But of course we mix, as the world is progressing so fast and variety is so much, that we are open to other kind of cuisine also. Par tanke Sindhi khade sa gad, Sindhi boli sa gad, tanke iho mehsoos thiye to ta asa wat jeka zameen aahe, mana jeke bi Sindhi, mana ta ekdo example aayo दुनिया में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते सिंधी आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजी ज़मीन, पंहिंजी धरती, पंहिंजो लैंड, छो त लैंड खां सवाइ हिकिड़ी ॿी आइडेंटिटी माण्हू जी वञी बीहे थी, पर सिंध आहे. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज जेके सी आवर एज, आई कंसिडर माई सेल्फ एज थर्ड जनरेशन फ्रॉम माई स्टार्टिंग फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. सो माई चिल्ड्रन and all the children who are born janam bahar manela mein, Indonesia mein wagere, jithe bhi America mein, to unan ke pehni roots thi yaar,
जो आए क्वेंच देयर देयर इज अ थर्स्ट अच्छा उनके आए नॉट ऑफ द लैंड दे डोंट हैव एनी मेमोरी ऑफ सिन सो देयर इज नो sentimental value attached to Sindh in the future generation. We have some kind of a sentimental value because subconsciously we were born in Sindh, you know, like I was conceived in, like I told you. So subconsciously we have, but our younger generation, unonke, what is Sindh, it doesn't matter to them. And the stories that we are hearing about Sindh, very unfortunate that you know the things that are going on, the negative things that are going on. They don't want to talk about, they don't want to go anywhere where there is violence. And even in India, for example, many of them they are afraid to go because of the gandagi and the, you know, the gandagi, garibi, they get a cultural shock when they go to places like India and Sindh, or when they hear about these things. So there's a lot to be done to revive the sentiments in the people's mind. That's very sad. But tahanje khyal mein, jekar tahan unhon Sindhin ke mein revive, ay unhon ke bhi ekde kisam jo dunya mein rande, yo identity crisis rando. Ay kada tahan ke महसूस थियो आहे त इहा इहो हिकिड़ो डिप्रेसिंग ऐं या यूनिवर्सल आई डू फील दैट्स व्हाई आई रोट द माय टू बुक्स सिंधी रूट्स एंड रिचुअल्स व्हिच हैज गॉट अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो टू लास्ट चैप्टर सायोनारा सिंध ऐं छा छा असां असांजे मथां थिया वॉट इज़ आवर इंटरनेस क्वालिटी एंड हाउ वी वर इनवेडेड एंड हाउ एवरीबडी बिकेम यू नो different traditional by adopting Islam, Christianity, Buddhism, vagare. I wanted to teach my children our original identity, what we were, from the rishis, Sapta rishis, from the ancient wisdom of the Vedic books that were written at the banks of Sindhu River, as we understand. I wanted to share with them the knowledge which I've written to revive the Sindhi culture. And jeke asanya Hindu Sindhi and they were losing the aspect of the rituals and the meaning of the traditions. So that's why I wrote book 2. Cheme, I have given the full description from when you are born to when you are gone, all the rituals and the scientific aspect of it. Ta jiya padan ane question jadi padanda ta sikhanda. पर सिंधियुनि जो जेको माइंड सेट आहे हिकिड़े जीअं मूंखे चयो अरे यार तूं ई छो थो ई बुक्स लिखी असांखे ॿुधाए भई नाणो कीअं कमाइजे हाणे यू नो व्हेन व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन देन यू डोंट नो व्हाट टू से सो यू सी व्हेन जेके सिंधी असीं ॿाहिरि वियासीं त वी वर इन सच अ डेस्परेट कंडीशन दैट वी हैड टू सर्वाइव सो अवर सिंधियत बिकेम अवर success to money. If we did not have money, we could not do anything. Right. So now that most of the Sindhis jiteva ayan sukhya sanja vetain and they have reached a high degree of affluence, ta hane ke dil the thi bhai ma bhai sindh ke bhai yaad kariya ya kiye par mental block achieve na because of this problem between Hindustan, Pakistan and all these things. Actually, agar Sindh mein tain tourism kholyo, ta dado vado ekro boost milando economy ke. But tourism has to be catered in a safe way, in a proper professional way, jye Europe mein thi nain. Asa India mein and Sindh mein vagere, we have not achieved that degree of sophistication of how to sell tourism, how to market tourism. So you need safety, you need also protection. And if that is built up, then there are many people who come out in Venda Sindh. I'll be the first one to go and see. But listen, you have a book that you have written, Self-Help.
जी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट खास तौर पे सिंध में अड़े सब्जेक्ट की अड़े शयन की ढी जरूरत है किताब उत भी सिंधी में भी लिखजन पाया इंग्लिश में आ इन थोड़ो गल बहर तो ठीक है पर सिंध में ढी सूरत हाल दुखी है सेल्फ हेल्प जो सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी ते भी पंजो लिखियो आए सेल्फ हेल्प ते भी लिखियो आए जी ते असी चाहिंदासी इन प्रोग्राम का अगते ता का उने ते तफसीलन अलग सा इंटरव्यू करियो आई वो एडो सब्जेक्ट आ जी उनन के हेल्प थिंदी छकण त वो इंग्लिश में लिखन पर सिंधी में गल में मना केडी शय जी सॉरी आई टू कट यू जेको भी मिसिज्म में असां के सेखारे वियो है दैट द एक्सटर्नल सिचुएशन ऑफ अ सोसाइटी और अ ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल वैक्यूम और स्पिरिचुअल यू नो स्पिरिचुअल कंटेंट इन योर सोल त असां जेको आहे जॾहिं असीं पाण खे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस खे असीं थोरो इंक्रीज कंदासीं तो बाहर जो वायुमंडल पानी सुधरी वेंदो तो दैट ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द पीपल नॉट नेसेसरली फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन व्हाट एवर रिलीजन इज देयर दे कैन मेंटेन देयर रिलीजन यू नो स्ट्रक्चर बट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग क्वाइट यू नो डीप सही आउकड़ो सवाल कंदो सागा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिंध में जेके नौजवान आहिनि उन्हनि खे फ्रस्ट्रेशन बि आहे ऐं सिचुएशन हालात इकोनॉमी एतिरी ख़राबु आहे त अहिड़ी सिचुएशन में हू कीअं पाण में होप पैदा कनि ऐं कीअं पंहिंजो पाण खे आइडियोलॉजिकली मोटिवेट कनि उहो कहिड़ो तरीक़ो आहे जेको आहे तव्हांजी कहिड़ी सलाह आहे उन्हनि जे बारे में जी नौजवाननि जी फ्रस्ट्रेशन घटिजे उन्हनि में होप अचे ऐं पॉज़िटिव सोचे the most important and fundamental question jeko sabni ke asan ke pani paan ka puchno hai asi hina dharti te paida thayu chaje kare very nice sai maqsad cha hai ta jaisai asan jo maqsad puro clarification kon aayo hai ta asi maanu bhitkal rehna asi saji umar from generation to generation so the first question you have to ask mai te aayo hai prithvi te asan jo cha goal chahe atai mukhe budhayo tan jo cha goal hai agar tai paan ke puchho tha what do you think is the goal of your life na to goal har ke mujhe hisab sa to ghar ke jo goal you are to har individual je ko hai so greater good da contribute kare correct but that is only the beginning that is only a conditioning of the mind to become from tamasic rajasic to satvik chahunde na dil kare saaf to allah kare maaf to pehli dil saaf karo hai jaisa hi dil saaf kone to kuch kon dindo ethe maanu jeke aayu assi saji bhai dil mein dvesh chala dene updesh this doesn't work dil mein aaye daga to kaun banega aapka saga the first condition is purification of your heart ke me kahenge in humanism je ke chebo hai unless and until we do not inculcate and contemplate on the thoughts of humanism nothing is going to happen we will keep on becoming unhappy from time to time so we must find out first asan jo goal cha hai secondly asan jo pen insanan sa ki vyavhar thyan gurje that should be based on love unless and until that we do not acquire that then we will be tossed around by our negative emotions and jeko ba asin disu tha duniya mein we are asin actually ghap mein reha pyein we are in a you know quicksand we are sinking but we don't know so we have to pull ourselves out by spiritual knowledge ase mujhe to in sai related sawal hai
त उहा ॻाल्हि त सही आहे पर आख़िर उहा जेका आहे हाइएस्ट कॉन्शियसनेस जेका आहे उन ते पुॼण लाइ हिकिड़ा ख़ासि स्टेप्स आहिनि त उन्हनि ते पुॼण लाइ असांखे सम्झणो पवंदो या ऐं इनखे चवां त जेका गॉड कॉन्शियसनेस आहे या परमात्मा जी कॉन्शियसनेस आहे उन ते पुॼण लाइ असां छा करे नौजवान कीअं वञे कीअं पंहिंजो पाण खे Before trying to achieve God consciousness, let us achieve first human consciousness. See, another thing, we are in a, what you call, many of us are in an animalistic state. We have not yet become human beings. Because human beings are, what you call, matured. When they are matured, they have compassion, they have love, they have mercy. Their friendship, all these qualities must be, you know, inculcated in our hearts and mind before we even think of God. God is something very deep. It is not easy. It's not so easy to achieve God consciousness when, see, God is an unknown entity to us. But you don't even know yourself, so that's another unknown entity. Now, two entities are unknown. How can the unknown know the known? So only the known can know the unknown. So first you understand yourself. Jadi asi paan ke completely sunyato, automatically Ishwar Allah jeko batai cha una jo darshan paani thindo. Acha sahi mukhe ikri gal budhaya taha panje kitab mein likhyo aaye articles mein likhyo aaye ta jeka detachment aaye that is the way you can achieve. It's just like a door to achieve spiritualism. Explain how detachment from what? See, detachment is of various kinds. First of all, to understand detachment, you have to understand attachment. Jenge asi Sindhi mein chauna mo. Asani mo, sabni galiyon mein aaya na. असांखे जेको दुख पहुचाए थो असांजो मोह असांजो मोह पंहिंजे एक्शन में आहे जॾहिं असीं कुझु करियूं था त पाण खे सम्झूं था असीं शइ आहियूं भई हुन में मोह था करियूं असां पंहिंजे पोज़ेशन्स खां मोह जेको असांखे घर में आहे या जेके बि आहिनि पदार्थियूं उनजे मथां मोह थी थी पए असांजो रिलेशनशिप आहे उन में मोह थी मोह थो पइजी वञे That you have to make first a distinction between moh and love. This is very important to make a distinction. Moh mein ekri kind of selfishness hai. Attachment hai. Je mein there's a sense of possession. Bhai maa hinne ke hasil karya. And jari hasil na to te, ta po sa jo insaan jo man mein ahankar hai bhai ye uno krodh achi to honi hai. And once anger sets in the mind, then all the problems start in life. Delusion and reasoning power is lost. Intelligence is lost. So once a person loses his reasoning capacity and his intellectual aspects are dented or diluted, then you cannot function in this world. So detachment, yani ki, मोह मां छुटकारो पाइण हाणे उनजो आहे प्रोसीजर एंड प्रोसेस हाणे उहो वरी बि कथा थी वेंदी न उनखे असीं डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं वधीक उन लाइ को अलॻि प्रोग्राम कंदासीं पर असीं हींअर इंट्रोडक्शन तव्हां खां वठणु चाहींदासीं त जीअं पंहिंजो गीता में आहे कृष्णा जेको आहे सो अर्जुन खे ॿुधाए थो पियो The, those who see action in inaction and inaction in action, they are the truly wise person. Inhe thoro explain kyo, inhe jo maksad chha hai aakhir. Inhe jo matlab hai, pehli dasi ni dasi, inaction in action. Hane, it becomes, an action becomes inaction when it loses the karmic effect when whatever action that you do does not attract any karma for you now
if you have to avoid any karma back on yourself, then the way to do karma is to, without any sense of egoism, without a sense of propriety of I, me, mine. Or if Krishna explains, by nishkam phal, by nishkam karm, mana phalaji incha na rakhi, asi mehnat karyu, for sansar, for the benefit of mankind. This is very important, that when you perform any action with the feeling that you are performing it for humanity and God, with a pure intention of serving humanity, then you will be free from all kinds of poverty of spiritual, mental and physical. And at that particular time, when you practice these things, enage bhochewa vichar and vivek, jaisai vichar, deep reflections on aaya, and vivek, mana, the faculty of discretion and discrimination has not come to your mind, then you cannot get detachment. So this has to be practiced. A whole life, it takes a whole lifetime to understand this. This is a, what you're asking is the highest. So when you're performing any action with a sense of doership, it becomes inaction in action. That's it. Got it? Yes. Because you're not performing. You're performing not out of your ego, but out of your intellect. So when you perform out of your intellect, then it loses the sense of doership and you're free from any bondages of karma. So that becomes action you're performing, but it becomes inaction. Wow. On the other side, you said the action and inaction. Hmm. Now, there are two interpretation that I have. Jadi insan ke wo art of living achite vanye, of doing inaction, mana, he does not do with a sense of ego. But he's still acting, right? Because nobody can live without action. Right. So even with that mindset in which he's free of any bondage karma, there is still action. So there's action and inaction. Hmm. The other interpretation is that even you're not acting physically, but you're creating mental waves. You're either in a state of creativity or uncreativity, but your mind is working. So that is action and inaction. Samjhota? Jabardast. Mujhe khayal mein तहां काफी शयों पर इन्हें ते तफसीली एक एक टॉपिक ते अलग सा तां जैसी बुधंदासी पर हन में परमात्मा जेको गलाइंदा जेको बुधाइंदो असी गलाइंदासी सही नहीं नहीं बिल्कुल सही तो मैं बता है आऊं समझा दो तो यो ही सिंध वट तमाम घणो स्पिरिचुअली जेको एसेट आए तवा जड़ा मानु आ यो सिंध जो एकडो वडो एसेट आ जेको दुनिया में असी उनके स्प्रेड करना चाहूँ था ये सुठो व्हीकल आ पर उन अग में जो अजो की पान इन टास्क के पूरो करूँ तो पी गाल हल्दी रही तो मैं तक पुछदम तो जे असा सिंधी हैं ही जो असो सिंध की गाल है उनके सिंध की उ टई है जिनके सिंध जो अं वो ना है तुम चो था तो वो उनका कटियल बया सिंध में जो सिंधी दुनिया में मुख्तलिफ जगह सिंधी उनके तुम कड़ो पैगाम दियण चाहो कड़ो मैसेज दियण चाहो जो तुम चाहो था तो वो उन्होंने दिल के जो वो टच करे उ भी जागन उ भी सिंध सिंधियन के लिए सिंधियत के लिए कंट्रीब्यूट
यानी तहां जेको अज दिए तई पंजे लाइफ में सूफिज्म ईश्वर स्पिरिचुअलिटी जेको भी तहां उने के पंजो पंजे अंदर में मतलब जेको तहां चाहदा यो उस तई पहुंचे उने के मतलब त उने जो सेंस जेको रूह है जेको उने जो थोरन लफ्जन में तमा वो चाहो था त वो उने के टच करे उन तई पहुंचे उने के हार्ड क्वेश्चन नॉट इजी क्वेश्चन टू answer in one sitting. I know. But there are many aspects. It will take a long time to answer, but to cut the matter short at this particular time, I would recommend everyone to first ask himself, sit down in one place and ask himself, what the hell am I doing here? Simple. Very nice. What am I doing here? And what am I supposed to do? So then, three questions come to mind. What is my relationship with God? What is my relationship with myself? And what is my relationship with human beings? Wow. Three things. So we have to study scriptures and try to become expansive in our mindset. All problems in life come because of shallow thinking. You know, ritualistic thinking, too much obsession with rituals and traditions without knowing what the scientific aspect of a tradition is. So I would say, read my book. Everything is there. Everything is there. But no, I'm just joking. But I always keep on reminding myself, dil kare saaf to Allah kare maaf. Sai jin kare maaf. This time dil impure aaye, tai kuch bhi vijho, it'll come out impure. You know, if you put anything in impure, even pure will become impure. So tanya jake upanje garyu aan jake clean the, you must be clean in your physicality, mm-hmm. in your mindset and in your environment. Wow. If you cannot achieve these three things, then we will continue to live in filth and dirt, and then mind will also become like that. तो पहिरीं पहिरीं असीं पंहिंजो जॾहिं सपोज़ गवर्नर थो अचे असांजे घर में त असीं छा घर में कंदासीं सफ़ाई कंदासीं न त असीं रोज़ असां एक्चुअली जेको सची आहे असीं ईश्वर अलाह खे विसारे छॾियो आहे द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ देयर अगरि असीं रोज़ सोचूं भई ईश्वर असांजे घर थो अचे त असीं छा कंदासीं सफ़ाई झगड़ा कंदासीं या सफ़ाई कंदासीं सभिनी सां दिल बि दिल रखी व्यवहार कंदासीं त मूल जेको आहे क्रक्स ऑफ द होल इंटेंस प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड इज दैट वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप विद गॉड क्रक्स एंड द सेंटर ऑफ ऑल एपिसेंटर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज दिस इन माय ओपिनियन असीं तमामु तव्हांजा घणा थोराइता आहियूं ऐं मीर मुज़फ़र ऐं आऊं सम्झां थो त तव्हां के असां अञा अॻिते रिकॉर्ड बि कंदासीं तव्हांजूं ॻाल्हियूं ॿुधंदासीं हिननि सभिनी सब्जेक्टनि ते त जीअं इन ॻाल्हि खे असीं